तो एक गाना बड़ा फेमस हो रहा है जो कि टीवी तक पहुंच गया, आदरणीय हमारे भजन श्याम जगत के हैं, आदरणीय कन्हैया मित्तल जी जो राम को लाए हैं, तो उन्होंने भी कुछ पंक्तियां नहीं, तो कुछ पंक्तियां मैं दे रही हूँ कि ना हाथ के बंदे हैं हम, हाथ के भी नहीं हैं हम, फूल के भी नहीं हैं, बड़े सीधी सीधी सी बात है, ना आपको लाएंगे ना हाथ को लाएंगे ना फूल को लाएंगे ना साइकिल को लाएंगे, परमानेंट की बात करे हम उनको लाएंगे, तो जो हमें परमानेंट करेगा हम उसके साथ खड़े हैं, और हमारे साथ प्लीज़ छल करना बंद कीजिए, क्योंकि हम इंसान हैं, हमारे घर में भी परिवार है और हमें भी वही उतनी ही रोटी हम खाते हैं जितनी रोटी आप लोग अपने महलों में। भाई उसके लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहूँगा, जब से बेसिक विभाग में अंधविश्वास का चयन हुआ है, हमारे यहाँ तीन तरह के अंधविश्वास साथी हैं, कला, शारीरिक शिक्षा और कार्य अनुभव। इन तीनों लोगों के आने से बेसिक विभाग में बहुत ही बढ़ोतरी हुई है, चाहे वो कला से रख लो। आज बच्चे हमारे विद्यालय में एक से एक बढ़िया चित्र का अवलोकन करते हैं, जिसमें देखने वाले अचंभे रह जाते हैं कि इतने छोटे बच्चों को इतनी कला कहाँ से आई। ये एक हम अंधविश्वासों की देन है, आज से पहले कहाँ हुआ था ये। बेसिक में हम भी पढ़े हैं, हमने भी देखा है। आप सारी शिक्षा में ले लीजिए, जिले स्तर राज्य स्तर तक लोग खेल में आगे अव्वल आ रहे हैं, गोल्ड मेडल जीत रहे हैं, वो किनकी देन है। इस समय 9 साल से हम ही अंधविश्वासक लोग कार्यरत हैं और कोई नहीं इस क्षेत्र में। कंप्यूटर, अधिकांश कंप्यूटर वाले हमारे साथी BLO काम देख रहे हैं, तहसीलों पर BSA ऑफिस, DIM निर्वाचन, सब काम कंप्यूटर अंधविश्वासक को करना पड़ रहा है। आज भी लोग तहसील पर लगे हुए हैं इलेक्शन के दौरान, रात के 12 बजे तक काम कराया जा रहा है। मात्र मानदेय कितना है? 7,000। कमी होती है तो अंधविश्वासक जिम्मेदार, क्योंकि वो न्यूनतम मानदेय पर कार्य कर रहा है। और राम है किसी विज्ञान सब्जेक्ट से अपने स्कूल उजानी ब्लॉक में कार्यरत हूँ। हमारे यहाँ कृषि विज्ञान के कोई भी संसाधन विभाग द्वारा नहीं मिलता है, क्योंकि जो इस समय उपकरण आ रहे हैं, उपकरण वगैरह जो हैं, बच्चों को नहीं मालूम हल कैसा होता था, कुदाली कैसी होती थी, क्यों आरी वगैरह का जो कटान होता है वो जानते हैं, ये आरी है, कई कई तरह के हल होते हैं, उसका मॉडल बनाने के लिए विभाग कभी पैसा नहीं देती, ना बच्चों को लोग मालूम है, ना कोई सैंपल होता है, चाहे वो खाद का हो। खाद तो चलो बच्चों को गाँव में देखने को मिल जाती है, DAP है, बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो गाँव वालों को मालूम ही नहीं है, बच्चों को जो हम उनको दिखा सकें, वो बता सकें। बस ये किताबों के माध्यम से बताते हैं, या अपने पास से पैसा खर्च करके खाद को और भी जो केमिकल वगैरह होते हैं ला कर दिखाते हैं, वो पैसा हमारी जेब से वेस्ट होता है, ना कि विभाग देती है। अब लगा जी 7,000 में हम लोग अपनी कि संविदा कर्मियों का अधिकार दिलाने की बात की गई थी, लेकिन उनका अधिकार का हनन किया गया। इसीलिए मैं सब साथियों को बताऊंगा कि इस बार के जो प्रदेश के चुनाव होंगे वो केवल और केवल ये ध्यान में रखते हुए चुनाव में वोट करिएगा कि जो अनुदेशक हित की बात करेगा हम उसका साथ देंगे। हमारा अंतिम और लक्ष्य केवल अनुदेशक नियमितीकरण है, और 17,000 मानदेय मार्च 2017 से 9% ब्याज के साथ जो हमारा ऑर्डर हुआ है दोनों बेंचों से, लखनऊ और इलाहाबाद, उसे हम हासिल करके बात रखें हमारे चैनल के माध्यम से। नमस्कार, मेरा नाम आयोजिका है और मैं कला अनुदेशक पद पर कार्यरत हूँ। 3 जुलाई 2013 से मैं कार्य कर रही हूँ, और लगभग सारी बात हमारे जिला अध्यक्ष जी ने आपके सामने रख दी है। तो दर्द तो बहुत है, शायद उन्हें शब्दों में बयां नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे लगता है जो एक डेली वर्कर है ना, जो डेली वर्कर काम करता है, वो भी 300 रुपये पर डे पे काम करता है, 300 × 30 9,000 हो गया, लेकिन हम अभी तक 7,000 में लगे हुए हैं। और ऐसा नहीं हम किसी से कम हैं, हम BEd हैं, BPed हैं, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, हमने ऐसी कोई पढ़ाई नहीं है जो दूसरों से कम की हो। आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूँगी, जो हमारे पुराने शिक्षक लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं हम उनसे मच बेटर हैं कि हमारे पास बहुत सारी शिक्षा है, हमारे पास नए नए स्किल्स हैं, नई नई टेक्निक्स हैं कि हम बच्चों को आगे बढ़ा सकते हैं। और सच में हम विभाग में आने के बाद से बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जहां पर केवल 3 शिक्षक हुआ करते थे 100-150 बच्चों पर, वहां पर अब 3 अनुदेशक और आ गए, यानी कुल मिलाकर 6 टीचर्स वहां पर हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमें बहुत दुख होता है कि हमें शिक्षा विभाग से दूर रखा जाता है कि आप बेसिक से हैं, नहीं नहीं आप अनुदेशक हैं। अच्छा तो आप बेसिक से नहीं हैं, क्यों हम बेसिक से नहीं हैं? आप बेसिक से हैं लेकिन आप अनुदेशक हैं, तो एक निम्न दृष्टि हमारे ऊपर रखी जाती है। और
सरकार किसी की भी हो, ये बात अमित भैया ने बिल्कुल सही कही, सरकार किसी की भी आए हम अपना हक लेना चाहते हैं। बढ़ाया किसकी सरकार थी उस वक्त? उस समय सरकार थी केंद्र में भाजपा सरकार ही थी, और राज्य में? राज्य में हमारी ये थी सपा सरकार जी, अखिलेश यादव जी थे। अखिलेश यादव उन्होंने 1470 हमारा मतलब दिया, केंद्र से जो पास हुआ 1470 वो उन्होंने हमें देना तुरंत शुरू कर दिया था। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि जब 1470 बढ़ा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कोर्ट गए, क्योंकि 15,000 का प्रस्ताव में भारी कटौती थी जी। तो वो कोर्ट गए, कोर्ट जाने के बाद में उधर कोर्ट का प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है सब जानते हैं, उसको भी लगभग एक साल बीत गया था। और तब तक 17-18 का जो पैब की मीटिंग थी, उस समय सरकार सपा की थी, उन्होंने एक प्रस्ताव 17,000 का हमारे बनाया और उसको प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड में भेजा, जिसको वहाँ प्रस्ताव को मंजूर कर लिया गया, कर लिया गया 17,000। इधर हमारा 15,000 वाला केस के लिए भी हाई कोर्ट ने कमेटी बनाने के लिए राज्य सरकार को आदेश दे दिया कि इसकी कमेटी बनाइए और निस्तारण करिए जी। तो उसमें निस्तारण ये हुआ, उस समय अपर मुख्य सचिव राज प्रताप सिंह जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी। उसमें उन्होंने जब तय हुआ ये बताया, उस उनका एक आदेश भी है जो हमारे पास सभी के पास है, उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि इनका 17,000 17-18 में पास हो चुका है, जो इन्हें अब मिलेगा। तो 15,000 की अब कोई बात ही नहीं है, इसलिए उसको निस्तारित किया जाता है। 17,000 निर्धारित फाइनली ये बात है जून 2017 की। मार्च में सरकार बनी थी और जून 2017 में राज प्रताप सिंह अपर मुख्य सचिव थे, ममता श्रीवास्तव भी सचिव थी, उनके साइन किया हुआ वो लेटर है। हमारा केस वहीं से मजबूत हो गया। तो उसके बाद में कोर्ट से हमने लड़ाई फिर हमने शुरू की, ये सरकार ने हमारे 2 साल बर्बाद किए कि हमारा आपका जो है शासन में फाइल चल रही है, आपका शासन आदेश जारी होगा। इन्होंने 2 साल हमारे ऐसे ही खींच लिए और शासन आदेश जारी करके नहीं दिया। हम सिंगल बेंच में गए, वहाँ से हम केस जीते लखनऊ बेंच से, हमने इलाहाबाद हाई कोर्ट से भी वो केस जीते। हमारा डबल बेंच से अब हम डबल बेंच में केस है, इसकी डेट कल है। लगाए हुए नहीं है ना, हम किसी के सरकार के पाले हुए हैं और ना हम किसी सरकार के विरोधी हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2009 आरटी एक्ट के तहत अंशकालिक अनुदेशकों के पद सृजित किए गए थे, जिसके तहत जुलाई 2013 में हम सभी साथियों को हमारी नियुक्ति मिली थी। उस जब हमारी नियुक्ति हुई थी तो हमें अंशकालिक अनुदेशक के पद पर मात्र 7,000 रुपये वेतनमान के